बड़ी खबर सीतापुर से सामने आई है, जहां बता दें कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते होटल में लगी आग। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचने के पहले ही आस पड़ोसियों ने आग पर पाया काबू। वहीं दो दिन पहले ही पड़ोस की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी आग। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते आज होटल में लगी आग। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते होटल में आग लग गई। तो बता दें कि पूरा मामला सीतापुर के महिला अस्पताल के ठीक सामने का बताया जा रहा है। माता जी, क्या हुआ, कैसे आग लगी? ऊपर से तार जलत हुआ हवा, और हम सामान निकाल रहे हैं, पूरा हाथ हमारा जल गया, पूरा सब सामान जल गया। भैया लमसम कितने रुपए का सामान होगा दुकान में? दूध 3 लाख के रहा, 4 लाख के रहा, लाख रुपए का सामान, 4 लाख, 3-4 लाख रुपए का माल जी। क्या क्या जला है आपका माल? हमारी सर कल पुड़िया लिए थे 5-7 हज़ार की, वो जला, और सारा आप तो देख ही रहे हैं, पूरा काउंटर जला, खाने पीने का जितना सामान लगा था, खाना भी बनता था, हाँ चाय था और नाश्ता था, सब कुछ जल गया हमारा। अच्छा, इसकी शिकायत आपने विद्युत विभाग से करी है क्या? अभी अभी कुछ नहीं किया है भैया। पुलिस पुलिस मौके पे आई है? हाँ, पुलिस तो आई थी, गाड़ियाँ जी आई थी, जब सब लोग पानी डाल के बुझा चुके तब ये वो लोग आई। विद्युत विभाग से आपने शिकायत करी है? अभी कहाँ करी, नहीं की। क्या नाम है आपका? गुड्डी। गुड्डी जी, कहाँ की रहने वाली हैं? हम सरदार कॉलोनी। वैसे क्या पूरा मामला है, कैसे आग लगी है ये? असल में अभी 3 दिन पहले दुकान में आग लगी थी पड़ोस वाली में, ठीक है। तो बिजली विभाग वाले जोड़ रहे थे तार, हमने उनसे कहा था इससे पहले 2 बार मतलब तार इस बार हो चुका है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक हम कर देंगे, हमने कहा भैया 2-3 बार आग लग चुकी है, हमने पड़ोस वाली दुकान बुझा चुकी है, और उसके बाद में आज आग लग गई यहाँ पर, हमारा नुकसान हो गया लमसम 3-4 लाख रुपये का। कहे की दुकान थी आपकी? हमारा होटल था, खाने का, खाने का था। समथिंग कितने का माल जल के लमसम 3-4 लाख रुपए का था, फ्रीजर व्रीजर सब जल गया हमारा है। इसकी शिकायत आपने विद्युत विभाग से करी है क्या? अभी नहीं की है, आज ही हुआ है कांड, तो कैसे कर देते। पुलिस पुलिस मौके पे आई थी? पुलिस आई थी। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस ने जो अपना जो काम करना था उन्होंने किया। दमकल की गाड़ियाँ पहुँची थी? नहीं, आखिरी में पहुँची, जब सब बुझ गई तब आया। क्या नाम है आपका? आकाश निषाद। कहाँ पे दुकान है? ये जिला महिला अस्पताल के सामने है।